गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी डिस्कस इन 12th क्लास चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स. आई मनोज कुमार शर्मा. व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, इनको कंट्रोल्ड करते हैं. ऐसे मॉलिक्यूल्स को बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है. द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसेंशियल फॉर बिल्डिंग ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स. ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, एंजाइम, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स इन फॉर्म में पाए जाते हैं. जैसे कि हमें पता है कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे फूड में इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में होते हैं, यानी आवश्यक तत्वों के रूप में पाए जाते हैं. बायोमोलिक्यूल्स आपके 25 एलिमेंट्स या इनसे ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर के बने होते हैं. बायोमोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मोर देन 25 एलिमेंट्स. दीज बायोमोलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. ये बायोमोलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो हमारी बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल्ड करते हैं, टेक्स प्लेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन. पीएच अबाउट 7 एट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमोसफियर प्रेशर. ये है हमारी बॉडी का जो पीएच है, अबाउट 7 टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमोसफियर पर ही ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल्ड करते हैं या उनको शुरू करते हैं. अगर हम बात करें कोई टिपिकल सेल जो है, उस टिपिकल सेल में केमिकल कंपोजिशंस उसका क्या होता है. किसी भी टिपिकल सेल में वाटर 70%, प्रोटीन 15%, न्यूक्लिक एसिड 16%, पॉलीसेकेराइड्स 4%, लिपिड जिसको हम फैट भी बोलते हैं 2%, इनऑर्गेनिक आयंस लाइक पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन एसेट्रा, ये 3%, और अदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके शेष होते हैं. ऐसे हमारी बॉडी के लिए जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास में बायोमोलिक्यूल जो है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये दो वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ है. फर्स्ट कार्बो इट मींस कार्बन, सेकंड हाइड्रेट इट मींस वाटर. सो कार्बोहाइड्रेट मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इट्स जनरल फॉर्मूला CXH2O. इसके एग्जांपल्स देखिए, ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11, स्टार्च C6H12O5. ये हमारे ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स. कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपके जनरल फॉर्मूले को कंप्राइज नहीं करते. इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 नहीं होता. फॉर एग्जांपल रेमिनोज, इट्स फॉर्मूला C6H12O5. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नॉट कंप्राइज इन रेशियो 2:1. सेकेंड एग्जाम्पल इन डी ऑक्सीराइबोज, इट्स फॉर्मूला C5H10O4. यह भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनका रेशियो 2:1 नहीं होता. कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स. वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड, CH2O या SCHO,
इसमें आपके 2:1 होता है हाइड्रोजन का, एन एसिटिक एसिड उसमें भी 2:1 होता है, एंड लैक्टिक एसिड CH3CHOHCWH इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1, बट दोज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। इन सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड सल्फर आर आल्सो प्रेजेंट अलोंग विद कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ आपके सल्फर नाइट्रोजन ये भी प्रेजेंट होते हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट्स डिफाइन, क्या डेफिनेशन है इसकी, द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर आइदर इट्सेल्फ पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स जस्ट लाइक एल्डिहाइड कीटोन्स और गिव पॉली हाइड्रोक्सो कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। यानी जो आपके पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स रखते हैं या जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का, तो उनको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। थैंक यू।